कल जो पटना में दिन दहाड़े एक वकील पटना हाईकोर्ट के अधिवक्ता की जो हत्या हुई है, ये बड़ी निंदनीय घटना है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। मैं खुद एक पटना उच्च न्यायालय का एक अधिवक्ता हूँ। मेरा नाम है मणिभूषण प्रताप सिंगर। शायद आप सभी लोग नाम से वाकिफ होंगे, क्योंकि मैं पटना उच्च न्यायालय में जनहित के करीब सारे मुद्दों को उठाया करता हूँ। मैंने पटना उच्च न्यायालय में घोटालों, अनियमितताओं, माफियाओं, नेताओं, मंत्रियों, ऐसे सभी घटनाएं जो कि भ्रष्टाचार से संबंधित है, उसके खिलाफ जनहित याचिका दायर किया, जिसमें काफियों पे कार्रवाई हुई है और काफी लोग हमारे दुश्मन बन चुके हों, वो ब्यूरोक्रेट्स हों, नेता मंत्री हों, घोटालेबाज हों, अपराधी हों, माफिया हों, कोई भी। और मुझे आए दिन इन सभी मुद्दों को लेके धमकियां भी मिलती रही। मैंने मिट्टी घोटाले, सृजन घोटाले, छात्रवृत्ति घोटाला, SSC पेपर लीक घोटाला, इस तरह से सैकड़ों घोटाले पे मैंने जनहित याचिका दायर कर रखा है, जिसमें मुझे आए दिन धमकियां भी मिलती रहीं, जिसके लिए मैंने DGP से लेके SP तक को और अपने थाने को भी इसका आवेदन दिया अपनी सुरक्षा के लिए, लेकिन कभी मुझे कोई सुरक्षा प्रदान नहीं की गई। इस मामले में उतना ही नहीं, तीन तीन चार चार बार हमारी सुरक्षा के लिए जांच भी कराई गई। जांच में मैंने देखा है रिपोर्ट, जांच में सभी जांच पदाधिकारियों ने यह लिखा कि आसन्न खतरे को देखते हुए इन्हें जल्द से जल्द सुरक्षा मुहैया कराई जाना चाहिए। सबों ने मेरे ऊपर खतरे को सत्यापित किया, उसके बावजूद केवल इस कारण से मुझे IG सिक्योरिटी बुच्चू सिंह मीना सुरक्षा नहीं प्रदान करते कि इनके साथ कोई अप्रिय घटना अभी तक नहीं घटी है। दूसरी चीज, हमारे बिहार के ही पटना के एक काफ़ी संवेदनशील पुलिस पदाधिकारी ने मुझे मामले की गंभीरता को देखते हुए, मेरे ऊपर खतरे को देखते हुए मुझे सुरक्षा मुहैया भी कराई 1 महीने के लिए, और मैंने पुलिस हेडक्वार्टर में इसे बढ़ाने का आवेदन भी दिया। उसके बावजूद 1 महीने बाद मेरी सुरक्षा वापस ले ली गई। जब एक मामूली जमीन विवाद में एक अधिवक्ता की हत्या की जा सकती है, तो मेरे तो ना जाने हजारों दुश्मन होंगे। वो हजारों दुश्मन मतलब कोई साधारण नहीं है, नेता भी हो सकते हैं, पदाधिकारी भी हो सकते हैं, कई माफिया भी हो सकते हैं, घोटालेबाज हो सकते हैं, और मुझे अक्सर धमकियां इनडायरेक्ट वे में मिलते रही हैं, तो मैं काफ़ी डर जाता हूँ इन सब मुद्दों को देख के। इसलिए मेरी सरकार से और सभी लोगों से एक मेरा निवेदन है कि हमारा जो भी मेरी सिक्योरिटी के लिए मैंने